Let's do question number 6 of exercise 4b, that is rational number. Question number 6 is, arrange the following rational number in descending order. Descending order, D baad mein aata hai ek, to bada, D is bada, then A, that means bade se chota ka likhna hai. First part is minus 2 upon 5, 7 upon minus 10, minus 11 upon 15 and 19 upon minus 30. Right friends, अब minus नीचे का ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ गई 2 upon 5, 7 upon minus 10 into minus 1 into minus 1, तो ये आ गया minus 7 upon 10, minus 11 upon 15, 19 upon minus 30 की multiplication minus 1 में ऊपर नीचे हुई तो ये आ गया minus 19 upon 30. Same as last question, हम सबके denominators ले लेंगे 5, 10, 15 and 30. तो ये आ गया 5 ones of 5, 5 twos of 10, 5 threes of 15, 5 sixes of 30. Now 2 से गया 1, 1, 3, 2 threes are sorry 6. Now 3, 1, 1, 1 and 1. Now 5 2 is a 10, 10 3 is a 30. अब हम सबको 30 बनाना है. तो 2 upon 5, 5 6 is a 30. That means 6 से multiply किया तो minus 12 upon 30 आ गया. Minus 7 upon 10, 10 3 is a 30. 3 से किया तो ये आ गया minus 21 upon 30. Minus 11 upon 15, 15 2 is a 30. तो minus 22 upon 30 आ गया और 19 upon 30 है ही as it is. Right friends, अब हमारे पास सारी minus की terms हैं. तो minus में सबसे बड़ा means सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा होता है. ऊपर की digit देखिए minus 12 है सबसे छोटी, तो minus 12 upon 30 आ गई. ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा कौन सा होगा? minus 19. 12 के बाद 19 आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद 19, 20, 21 आएगा, minus 21 upon 30, और उससे बाद minus, सबसे छोटा कौन सा हुआ? minus 22 upon 30. अब इसकी original values लिख देते हैं, ये आ गया, minus 2 upon 5, 19 upon minus 30, then 7 upon minus 10 and then minus 11 upon 15 is the Let's do second part. Second part is minus 2 minus 13 upon 6, 8 upon minus 3 and 1 upon 3. Minus 2 ke niche kuch nahi hai, 1 likh denge. Minus 13 upon 6 as it is, 8 upon minus 3, minus 1 ki multiplication upa niche ho gai, to ye a gaya minus 8 upon 3 and 1 upon 3. Right friends, sabke denominators le lete hain, 1, 6, 3 and 3. To dekhiye 3 se gaya, 3 2s are 6, 1 and 1. Now 2 से गया 1, 1, 1 and 1. तो 3, 2 जा 6 लाना है सबको. तो minus 2 upon 1 को 6 से ऊपर नीचे multiply कर देंगे. क्योंकि यहाँ नीचे 1 है, 1, 6 जा 6. That means minus 12 upon 6. Minus 13 upon 6 तो as it is रहेगा क्योंकि denominator 6 ही है. Minus 8 upon 3. 3, 2 जा 6. तो 2 से ऊपर नीचे तो यह आ गया minus 16 upon 6. 1 upon 3, 3 2s are 6, that means 2 upon 6, right friends? Now, अब हमें पता है, सबसे बड़ा लिखना है, सबसे बड़ा obviously हमारा positive वाला बड़ा होगा, तो positive है 2 upon 6, उससे छोटा कौन सा होगा? उससे छोटा होगा कि जो हमें पता है कि माइनस की टर्म्स सबसे बड़ी क्या होती हैं?
सबसे छोटी होती है और सबसे छोटी सबसे बड़ी होती है, तो माइनस 12 अपॉन 6, फिर माइनस 13, सॉरी माइनस 13 अपॉन 6, देन माइनस 16 अपॉन 6। नाउ अब हम इसकी ओरिजिनल वैल्यूज लिख देंगे। इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 1 अपॉन 3, माइनस 12 अपॉन 6 की ओरिजिनल वैल्यू थी माइनस 2, माइनस 13 अपॉन 6 की ओरिजिनल वैल्यू माइनस 13 अपॉन 6 ही थी, एंड नेक्स्ट 16 माइनस 16 अपॉन 6 की ओरिजिनल वैल्यू थी 8 अपॉन माइनस 3 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज माइनस 4 अपॉन 9, 5 अपॉन माइनस 12, माइनस 7 अपॉन 18 एंड 2 अपॉन माइनस 3। राइट फ्रेंड्स, माइनस 4 अपॉन 9 एज इट इज, माइनस की मल्टीप्लीकेशन ऊपर करेंगे, माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो ये आ गया माइनस 5 अपॉन 12, माइनस 7 अपॉन 18 एज इट इज एंड 2 अपॉन माइनस 3। माइनस 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया माइनस 2 अपॉन 3। राइट फ्रेंड्स, आप सबके डिनोमिनेटर्स ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर आ गया 9, 12, 18 एंड 3। तो देखिए 3 से गया, 3 3 इज अ 9, 3 4 इज अ 12, 3 6 इज अ 18, 3 1 इज अ 3, अगेन 3 से 3 1 इज अ 3, 4 एज इट इज, 3 2 इज अ 6, 1, 2 से गया 1, 2, 1 एंड 1, अगेन 2 से 1, 1, 1 एंड 1, तो क्या हो गया 4 9 इज अ 36 हो गया। राइट फ्रेंड्स, तो माइनस 4 अपॉन 9, 9 4 इज अ 36, 4 की ऊपर नीचे हो गई, दैट मींस माइनस 16 अपॉन 36। नाउ माइनस 5 अपॉन 12, 12 3 इज अ 36, दैट मींस माइनस 15 अपॉन 36 आ गया, माइनस 7 अपॉन 18, 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, नाउ 18 हमारा 18 टू जा 36, दैट मीन्स माइनस 14 अपॉन 36। लास्ट इज टू, माइनस 2 अपॉन 3, 3 इंटू 12, 12 24 अपॉन 36। राइट फ्रेंड्स, अब हमें सबसे बड़ा लिखना है, सबसे छोटा है सबसे बड़ा, ऊपर का देखिए 14 सबसे छोटा होता है, दैट मींस माइनस 14 अपॉन 36 सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा हुआ माइनस 15 अपॉन 36, उससे छोटा हुआ माइनस 16 अपॉन 36 एंड देन इज माइनस 24 अपॉन 36। इसकी ओरिजिनल वैल्यूज लिख देते हैं, ये थी माइनस 7 अपॉन 18, देन इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 15 अपॉन 36 की ओरिजिनल वैल्यू है 5 अपॉन माइनस 12, फिर 16 माइनस 16 अपॉन 36 की है माइनस 4 अपॉन 9, और नेक्स्ट इज लास्ट वन 2 अपॉन माइनस 3 इज द आंसर। लेट्स टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 17 अपॉन माइनस 30, 11 अपॉन माइनस 15, माइनस 7 अपॉन 10 एंड 3 अपॉन 5। माइनस की मल्टीप्लीकेशन ऊपर करते हैं, 17 अपॉन माइनस 30 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, दैट इज माइनस 17 अपॉन 30। 11 अपॉन माइनस 15 की मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे करते हैं माइनस 1 में, दैट इज माइनस 11 अपॉन 15, माइनस 7 अपॉन 10 एंड 3 अपॉन 5। राइट फ्रेंड्स, नाउ अब हम सबके डिनोमिनेटर्स ले लेंगे, ये आ गए 30, 15, 10 एंड 5। 5 से गया 5 6 जा 5 3 जा 5 2 जा एंड 1, 3 से गया 3 2 जा 6 1 एंड 2 1, नाउ 2 से गया 1 1 1 एंड 1, तो ये कितना आ गया 30 आ गया, 5 2 जा 10 एंड 3 30।
अब सबको 30 बनाना है, तो माइनस 17 अपॉन 30 एज इट इज रहेगा. नाउ 11 माइनस का 11 अपॉन 15, 15 टूज आर 30, दैट मीन्स माइनस 22 अपॉन 30, माइनस 7 अपॉन 10, 10 थ्रीज आर 30, तो ये आ गया माइनस 21 अपॉन 30, और ये आ गया 3 अपॉन 5, 5 सिक्स आर 30, दैट मीन्स 18 अपॉन 30. तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा होता है, दैट मीन्स 18 अपॉन 30. फिर उससे छोटा कौन सा हुआ, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, दैट मीन्स माइनस 17 अपॉन 30, देन माइनस 21 अपॉन 30, देन माइनस 22 अपॉन 30. तो ओरिजिनल वैल्यूज लिख देते हैं इसकी, ये आ गई 3 अपॉन 5 ग्रेटर देन माइनस 17 अपॉन 30 एज इट इज था, सॉरी प्लस 17 अपॉन माइनस 30. नेक्स्ट इज 21 अपॉन 30, दैट मीन्स माइनस 7 अपॉन 10, एंड नेक्स्ट वन इज 11 अपॉन माइनस 15 इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.